सो हे गाइज, व्हाट इज अप, कैसे हो सारे? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब मैं वर्टिकल लाइफ में स्ट्रीम कर रहा हूँ, एंड आप में से बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि वर्टिकल लाइफ में स्ट्रीम कैसे करें। तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बट उसमें भी आपको एक और क्वेश्चन है कि लाइक आप सबको प्रॉब्लम हो रही है कि वर्टिकल लाइफ में जो भी ओवरले लगता है ना, वो ब्लर हो जाता है आप सबका जब भी आप उसको इम्पोर्ट पर क्लिक करते हो ना। तो वहाँ पे आपका इंपोर्ट में लिखा आता है द फोटो सिलेक्टेड इज़ नॉट इन करेक्ट 9:16 फॉर्मेट। इसका मतलब है कि आपकी जो पोर्ट्रेट है, जो आपने जस्ट फोटो लगाई है यहाँ पे, वो 9:16 रेशो में नहीं है। बट एक्चुअली आप लोगों ने क्रॉप करके भी देखा होगा कि 9:16 रेशो में क्यों नहीं आ रही है। एंड यार, ये हर एक बंदे को प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे जाके आप एक नॉर्मल कोई भी थीम सेट कर दो, जिसके साइड में कोई भी एजेस ना हो, बेजल्स ना हो, एंड वहाँ पे जाके आप अपनी जो भी पोर्ट्रेट आपको लगाना है, जो भी आपको ओवरले लगाना है, जस्ट आप उसको सेलेक्ट करते हो एंड उसको स्ट्रेच करते हो। जैसे कि मैं जस्ट अभी स्क्रीन पर कर रहा हूँ, तो आप सबके सब भी सेम यही करते हो ना। देखो, जैसे मैंने जस्ट यहाँ पे लगाया, एंड इसको आप लगाने के बाद थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके सेटिंग करते हो, बिल्कुल सेंटर में करने के बाद उसको आप डन कर देते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आता है कि लाइक जब आप उसको स्ट्रेच करते हो ना, तो स्ट्रेच करने के बाद वो ब्लर हो जाता है। लाइक जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने पुरानी स्ट्रीम्स में पहले करा था, तो पुरानी स्ट्रीम्स में आपको दिख रहा होगा ये जो ओवरले है ना, वो ब्लर दिख रहा है आपको। जस्ट आपको ना स्ट्रीम की क्वालिटी तो अच्छी दिख रही है, लेकिन ओवरले की क्वालिटी ब्लर दिख रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे आपको इन चीज़ों से टैकल करना है, एंड आप कैसे एक अच्छा सा ओवरले बना सकते हो अपने लिए, और कैसे आपको साइज मैटर करना है। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग अपना ओवरले बनाते हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना है पिक्सार्ट ऐप में, एंड पिक्सार्ट ऐप में जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको नीचे प्लस का आइकन दिख जाएगा जैसे आपको दिख रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है, एडिट अ फोटो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चूज़ करना है, एंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद जस्ट आपको ये थोड़ा बहुत सीन दिखेगा, उसको क्रॉस कर देना है, एंड जस्ट आपको नीचे दिख रहा होगा क्रॉप का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करोगे। क्रॉप के बाद उसमें आपको सेंटर में दिखेगा 16:9, उसको आपको दो बार क्लिक करना है, तो आप 16:9 पोर्ट्रेट एरिया में आ जाओगे। सो पोर्ट्रेट में करने के बाद आपको ऐड अ फोटो पे क्लिक करना है, आपको जस्ट नीचे दिख जाएगा ऐड अ फोटो करके। ऐड अ फोटो करने के बाद आपको अपनी जो भी थीम पीछे जो आपको ओवरले में चाहिए, जो भी आपको पिक चाहिए, आपको उसको ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि लाइक आपको उसकी ओपेसिटी कम रखनी है, या उसको आपको कलर चेंज करना है। तो आप इजीली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इजीली कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा ब्लर रखना चाहूँगा इसके बैकग्राउंड को। उससे पहले आपको जस्ट जो भी आपका गेम प्ले है, जो भी आपकी फ़ोन की स्क्रीन है, आपको उसका स्क्रीन शॉट खींच लेना है, एंड उसको बिल्कुल सेंटर में, जैसे मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। आप कुछ टेंशन नहीं लेनी, आपको उसको टिक पे क्लिक नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है यहाँ पे। एंड आप जस्ट पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसको आप जस्ट थोड़ा ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, एंड मैं तो देखो थोड़ा बहुत ब्लर करूँगा उसको। सो ब्लर करने के लिए आपको नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जस्ट आपको ब्लर पे क्लिक कर देना है। ये तो कुछ ज़्यादा ब्लर हो गया, एक मिनट। ओके, मैं इसको रखता हूँ 3-4 के आसपास, 5 ठीक है। ओके, इतना ब्लर काफ़ी है। ओके ठीक है, मैं इस पर टिक पे क्लिक कर देता हूँ। टिक पे क्लिक करने के बाद इतना ब्लर काफ़ी है, एंड जो आपको सेंटर में जो एरिया दिख रहा है ना, जो आपको पिक दिख रही है, आपको जस्ट उसको ग्रीन स्क्रीन बनाना है। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है वापस, उसमें आपको ऊपर ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, जस्ट आपको ग्रीन कलर पे क्लिक करना है, उसको ऐड कर लेना है, एंड जस्ट जो आपकी पिक है ना, जो जस्ट आपकी जो गेम की पिक है, आपको बस उसके ऊपर लेके आना है। ये इमेज मैं इसलिए ऐड करवा रहा हूँ बिकॉज आपको ईजिली रहेगा, लाइक आप ईजिली इस इमेज को कटआउट करके निकाल सकते हो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में। तो जस्ट आप इस इमेज के ऊपर इसको मतलब अच्छे से लाइक ढक दीजिए उसको तरीके से। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। तो इसको ढकने के बाद आपको जस्ट ऊपर ना एक लेयर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको मूव डाउन कर देना है, एंड जो ऊपर की इमेज है, जो आपकी गेम की इमेज है, उसको ना साइड में ले जाकर उसको बस कटआउट कर देना है। सो गाइज, आपका ये इमेज रेडी है, एंड इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी है, लाइक आपका नेम ऐड करना है या फिर आपकी UPI ID ऐड करनी है, तो वो जल्दी से ऐड कर लेते हैं। चलिए, can't turn back now, we know that there's no room for
सो ओके गाइज, हमारा ओवरले बनके तैयार है। जस्ट आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको जस्ट इसको गैलरी में सेव कर लेना है। एंड गैलरी में सेव होने के बाद आपको अपना PSCC एप्लीकेशन ओपन करना है। आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे 1920x1080p का रेजोल्यूशन डालना है। जस्ट मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे को पता चला था। तो आपको ऊपर एंड का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके जस्ट इसको चेंज कर सकते हो इमेज रिसाइज करके। तो आपको नीचे जो हाइट रखनी है वो रखनी है 1920 एंड जो विड्थ रखना है वो रखना है 1080। सो गाइज, इतना होने के बाद आपको ना सबसे नीचे राइट साइड में एक लेयर्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे। एक और प्लस दिखेगा, उस पर भी क्लिक करोगे। फिर आपको फोटो लेयर्स, फोटो लाइब्रेरी में जाके अपना पिक्स आर्ट वाला सेक्शन ओपन करना है। उसके बाद जस्ट आपने जो अभी ओवरले बनाया था ना, उसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली साइड एजेस में बैठ जाएगा। तो आपको जस्ट कुछ करना नहीं है उसमें, सिंपल उसको टिक पे क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे मोड दिखेगा, आपको उस पर माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना है। सिंपल जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है उस पर क्लिक करना है। एंड आपको जब सिलेक्शन टूल आ जाएगा, तो सिलेक्शन टूल करने के बाद उसको बिल्कुल तरीके से, मतलब बिल्कुल एज टू एज मिला के उसको काट लेना है। आपको उसको पहले सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बिल्कुल टॉप पे डन के बराबर में राइट साइड में एक और डॉट डॉट दिखेगा, उसमें आपको जाके उसको क्लियर कर देना है। एंड सेम आपको ऊपर वाले सेक्शन के लिए भी करना है। आपको दो बार लगेगा, फिर एक बार में भी आप कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल हो तो। ईजी, आपको एक बार करना है एंड इसको सेम उसी तरीके से काट लेना जैसे हमने नीचे वाले को काटा था। ओके, ये भी हो चुका है। उसके बाद इसको कर देते हैं क्लियर एंड बूम। गाइज, हमारा ये पूरा मतलब हो चुका है कम्प्लीटली। जो आपको साइड में एजेस दिख रहे होंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैंने ये फन मतलब लाइक तरीके से नहीं बनाया, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया, जैसे आपको ट्यूटोरियल दिया है इसका। तो आप चाहे तो इससे भी अच्छा बना सकते हो। एंड गाइज, इतना सब होने के बाद आपको जस्ट डन पे क्लिक कर लेना है एंड उसको सेव कर लेना है। सेव होने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक नहीं करना, राइट वाले पे आइकन पे क्लिक करना है। ओके, जो राइट वाला शेयर वाला ऑप्शन है ना, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, एक मिनट, जस्ट शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेव टू गैलरी का ऑप्शन है। उसमें आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, उसमें आपको PNG वाला सेलेक्ट करना है, बिकॉज आपको बैकग्राउंड रिमूव चाहिए। तो PNG सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा इमेज चाहिए उस पर क्लिक कर देना एंड जस्ट सेव कर लेना। एंड देखिए, मैं आ गया अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। एंड आपको एक बात और, ये देखो, जैसे आप जस्ट नीचे करोगे ना तो बिल्कुल उसका बीच का एरिया गायब है। एंड आपको इसको अपने फ़ोन में जब शेयर करोगे, अपने आईफोन में शेयर करोगे, तो उस टाइम में आपको इसको डॉक्यूमेंट में शेयर करना है, ताकि जो PNG है वो PNG में ही रहे, JPEG में कन्वर्ट ना हो। सो जस्ट मैं आपको यहाँ से लगा के दिखा देता हूँ। आपको जस्ट लाइव नाउ ऐप ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको जस्ट थीम का ऑप्शन दिखेगा। तो जस्ट आप इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे, मेरा एक ऑलरेडी लगा हुआ है, बट अगर आप अपनी तरीके से करते हो तो आपको एरर शो करेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने ट्यूटोरियल बताया आप सेम उसी तरीके से करते हो, तो आपको जस्ट वो सिंपल ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एंड जस्ट आपको और कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक कर देना है। वो आपको पूछेगा कंटिन्यू करना है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आपको 30-60 सेकेंड का वेट करना है एंड जस्ट आपका वो ओवरले ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो वो ओवरले ऐड हो चुका है। तो मैं आपको जस्ट एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ इसके साथ। ओके, सो गाइज, ये मेरा ओवरले है जस्ट मैंने जो अभी बनाया है आपके सामने। एंड देखो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। एंड अगर आप इससे स्ट्रीम करते हो ना, तो स्ट्रीम में भी सेम क्वालिटी में आने वाला है एंड आप सेम अपने फेस कैम के लिए बना सकते हो। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको नीड है उसके साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।